उसके भीतर जो बुद्धि है वो बुद्धि भी ठीक नहीं होता है, हम तो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं हमको क्या करना चाहिए। क्यों? भगवान बुद्धि नहीं देते हैं। भगवान कहें गीता में, ददामि बुद्धि जोगं तं जनो माम उपजान्ति ते, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। तो भगवान भगवत शरणागत होकर भगवत चरण में आए हैं, उनके सान्निध्य में आए हैं, समर्पित होकर भजन करने के लिए प्रयत्न, फिर भी बुद्धि बिगड़ जाए क्यों, गलत क्यों होता है? अहंकार है ना, शरणागत तो नहीं है। ठीक ठीक, कर्ता हम इति मान्यते, वो अपने को कर्ता मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, जो अपने मन चाहे मन में जो आया वो समझते ये ही ठीक है, ये करना ठीक है, ऐसा करना ठीक है, मरेगा। भगवान कहते हैं, भगवान फिर देखते भी नहीं है उसकी तरफ, झांकते भी नहीं है। कब झांकते हैं? न तेषं सतत युक्तानं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं जनो माम उपजान्ति ते, सतत युक्त हर समय उनके चरण में मन संलग्न रहता है, प्रीति के साथ भजन करते हैं, अपना अभिमान छोड़ करके, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, प्रभु तुम हम कृपा करो, हमको दया करो, हमको बुद्धि शोधन कर दो, मेरी अपनी बुद्धि के द्वारा कभी हम तुम्हारे चरण सान्निध्य प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे, हे कृष्ण, हे गोविंदो, हे गुरुदेव, तुम मेरे हाथ पकड़ो, कृपा करके हमको निजी कृपा शक्ति के बल पर तुम्हारे चरण कमल सान्निध्य में हमको ले चलो प्रभु, निज शक्ति के द्वारा, नहीं तो अनंत काल मैं अपने चेष्टा के द्वारा तुम्हारे चरण कमल सान्निध्य प्राप्त नहीं कर सकता हूँ प्रभु, इतना शक्ति तुमने हमको दिया नहीं, मैं हार गया हर तरह से, ऐसे हार स्वीकार करना चाहिए, दीनता विनम्रता नहीं चाहिए, नहीं तो घूमते रहो भजन माला घिसते रहो, घूमते रहो, भगवान दृष्टा बन के देखते रहेंगे, भगवान उस समय दृष्टा, क्यों तुम कर्तृत्वाभिमान, तुम्हारा कर्तृत्वाभिमान तुम समझते हो ज्यादा, तो भगवान कहते समझते हो, तुम जब समझ रहे हो समझ करके चलो, हमको क्या करना है भाई, तुम तो समझ रहे हो, अपने को समझदार मान रहे हो, भगवान उस समय न्यूट्रल, तो भगवान के यहाँ दोष नहीं लगता है, जो ददामी बुद्धि जगह तुम क्यों बुद्धि नहीं देते हो, तो भगवान कहते हैं वो तुम हमको, तुम अपने को बुद्धिमान मान रहे हो इसीलिए हम कैसे बुद्धि देंगे तुमको, तुम तो अपने आप को बुद्धिमान मान ही रहे हो ना, जब देखो कि जो ना हमारे बुद्धि से काम चलने वाला है नहीं, प्रभु तुम ही एकमात्र हमारे शरण हो, हे नाथ, हे दीननाथ, दीनबंधु पतित पावन, हर तरह से हार के तुम्हारा चरण कमल में शरण लेके आए हैं प्रभु, हमको कृपा करके धारण करो निज बल पर, नहीं तो हम संसार सागर में कहाँ खो जाएंगे प्रभु, उद्धार करो हे नाथ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, तुम सर्वभाव से मेरी शरणागत हो जाओ, शरणागत माने काय मन वचन से, अहंकार को छोड़ो, मैं समझता हूँ समझता हूँ, ये बुद्धि छोड़ो, तो भगवान कहते हैं फिर चिंता मत करो, मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसाद अतरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, समस्त दुर्गानि मत प्रसादात् करिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, समस्त दुर्गानि मत प्रसादात् करिष्यसि, अत चित्तम अहंकारात् नाश्यसि विनश्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, अत चित्तम अहंकारात्, अगर तुम अहंकार के कारण नाश्यसि माने मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि तुम नष्ट हो जाओ, शरणागत हो जाओ, अभिमान छोड़ो, अहंकार छोड़ो, दम्भ छोड़ो, बुद्धिमत्ता छोड़ो, दीनहीन हो जाओ, ये मार्ग ऐसा है, ये शरणागति का मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, शरणागति का मार्ग है, यहाँ बुद्धिमत्ता के द्वारा वहाँ अनंतकाल चेष्टा करके भी तुम वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, अनंतकाल शास्त्र अध्ययन करके भी तुम वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, अनंत शास्त्र कंठस्थ करके भी तुम वहाँ कभी पहुँच नहीं पाओगे, धर्म सत्य गुहायं
महाजन जैन गतस्य पंथा, धर्म के तत्व गुहा में छिपा हुआ है। यहां तो ये भक्ति मार्ग में बड़े बड़े पंडित परा रहता है और मूर्ख बाजी मार जाता है शरणागत होकर के, एक मूर्ख बाजी मार के संसार सागर से पार लगा देता है मूर्ख, और पंडित बड़े बड़े पंडित परा रहता है उसका अभिमान के कारण संसार सागर में चक्र में पड़ा रहता है ना, ये मार्ग ऐसा है। तो अब क्या हुआ वृंदावन में, आप देख रहे हैं ये तो बहुत तीन जन बहुत ही प्रतिभाशाली भगवत कृपा पुष्ट शक्ति संपन्न समस्त तरह से संपन्न ये नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु, तो समस्त आचार्य जो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीजीव गोस्वामी और जिदा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब मिलके ठीक किए हैं। जो वृंदावन तो यहाँ तो लोकेलिटी तो है नहीं, हम तो आप तो सब कुछ भगवत चरण में समर्पण करके आप तो अंतिम काल तक ही दिन व्यतीत करने के लिए हम आए हैं, प्रभु हमको लाए हैं, अब इनको भेजना है, इनके द्वारा जगत कल्याण होगा ये प्रभु की इच्छा, ये जान करके एक बहाना लेकर के तीन को आदेश किए हैं जे तुम लोग जाओ यहाँ से गौर देश में जाओ, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे कर्म संपादन करना है, प्रभु की इच्छा ना नहीं करना। अब तीनों आए हैं ये वृंदावन धाम में जो अंतिम समय तक राधारानी के चरण कमल सान्निध्य में रह करके भजन करते हुए बस अपना जीवन को सफल करेंगे। वज्राघात हो गया जैसे माथे में बिजली गिर गई, ये शब्द सुन करके बंगाल में जाएंगे फिर वही जगह, वहाँ क्या है कोई तो है ही नहीं, भगवान जो आए हैं उनके समस्त पार्षदों तो सब एक एक करके चले गए हैं, कहाँ जाएंगे किसके सान्निध्य में जाएंगे, लेकिन ना महापुरुष के बाणी गुरु आज्ञा ना नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं शरणागति समर्पण, जो कह रहे हैं हमारे मंगल के लिए भलाई के लिए जाना है वृंदावन छोड़ के, बहुत रोए लेकिन ना नहीं किए, जाना पड़ेगा महापुरुष का आदेश गुरु आदेश तुम जाओ। हाँ देखा ऐसे समर्पण, नहीं हम क्यों जाएंगे, हम ही वृंदावन में रहेंगे हम वहाँ जाएंगे क्यों है? ऐसा नहीं आदेश किए हैं। आप दो बड़े बड़े बुग्गी बैलगाड़ी बड़े दो दो बक्सा विशाल बक्सा उसके अंदर समस्त ग्रंथ समस्त शास्त्र ग्रंथ रहस्य शास्त्र ग्रंथ दुर्लभ ग्रंथ रचना बोली ये सब रचना सब उसमें पैक करके और 15-20 जन उसको रक्षा करने के लिए कुछ लोग ऐसे पैसा दे करके उनको भेजे हैं जो तुम लोग ये पहुँचा के आ जाओ बंगाल तक। तो तीनों अब चल दिए हैं, रोते रोते जा रहे हैं, मन तो चलता नहीं है, ब्रज के बाहर कहाँ जाएंगे लेकिन क्या करें, आप आदेश जाना पड़ेगा। आप गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोग देखते हैं जो ऐसे महत्पुरुष ये भी साधारण कोटि के हैं नहीं, वो लोग जान गए हैं ये भगवान के साक्षात महाप्रभु के कृपा पुष्ट हैं कृपा समृद्ध हैं जगत कल्याण के लिए आए हैं, उनके पीछे 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 जा रहे हैं, मथुरा तक जा करके वहाँ जा करके उनको विदाई किया, अब तुम लोग जाओ। तीनों गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि सबको प्रणिपात चरण कमल वंदना करके चरण धूलि लेकर के चल दिए हैं। अब उस समय तो चलना इतना सहज नहीं था, बड़े कष्ट से जाते 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 बिहार के अंदर से उत्तर प्रदेश समाप्त करके बिहार के भीतर से झारखंड के रास्ता से जंगल के मार्ग से पकड़ करके बहुत दिन में उतना बड़ी बुग्गी इतना जन लोग जन लेके चलना तो साधारण बात नहीं है। तो ऐसे बहुत दिन हो गया चलते 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 बिहार की सीमा अतिक्रमण करके अब बंगाल की सीमा में पहुंचे हैं, उस जगह का नाम है गोपालपुर।
वहां जाकर के रात हो गया। अब बड़े बुग्गी एक जगह अंत में रख करके तीनों जंगल के किनारे में वहाँ पर कहीं विश्राम कर रहे हैं। पहरादार सब सो गए हैं। सुबह उठ करके देखते हैं वो बुग्गी गायब, दोनों बुग्गी है नहीं। ग्रंथ जो था उसमें बहुत बड़ी बुग्गी ना, उसको रखे थे बाहर में, एक कौन ले जाएगा, लेकिन बुग्गी वहां से हवा। आप माथा खराब हो गया तीनों का, हाय हाय। थोड़ा सा अवहेलन के कारण थोड़ा सा ये बाहर सोए, क्यों अगर वहीं सो जाते, बुग्गी के पास ही सो जाते तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ये तो हो गया। आप करूं तो करूं क्या, आप कौन सा मुंह लेकर के आप जाऊं, उनको क्या संदेश दूं, जो तुम्हारे जो आदेश, तुमने जो आदेश किया वो आदेश हमने अवहेलन के कारण रक्षा नहीं कर पाया, ये मुंह कैसे दिखाएंगे। हाँ, इससे तो मृत्यु भी अच्छा है। बहुत दुखी हो गए। उपाय क्या उपाय, ऐसे दुर्लभ ग्रंथ जो ग्रंथ कभी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो महाप्रभु के पार्षद हैं, ऐसे रचना जो रचना किए हैं, साधारण कवि तो है नहीं। आजकल के जो कवि हैं तो अपने बुद्धि के द्वारा कुछ जो भी मन चाहे लिख देता है, उन लोग ऐसा नहीं, दृष्टा पुरुष है। दृष्टा पुरुष जो देखे हैं वो देख करके लिखे हैं, वो ऐसे अपने बुद्धि के द्वारा रचना नहीं किए हैं, दृष्टा पुरुष है। ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा। खूब रोए, पागल जैसे हो गया। दो तीन दिन तो ही बिताए, अब क्या किया जाए, ग्रंथ तो चोरी हो गया। आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर को कह रहे हैं, तुम दोनों जाओ बंगाल चले जाओ। थोड़ा सा ही दूर है वह, तो बंगाल के भीतर प्रवेश करके, लेकिन सीमा है। तुम लोग जाओ, जा करके तुम लोग प्रचार करो, भक्ति धर्म प्रचार के लिए तैयार हो जाओ, फिर हम आ रहे हैं। तो कहते हैं, प्रभु तुम यहाँ रह जाओगे अकेला, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। नहीं, कहाँ गया है ग्रंथ, वो उद्धार किए बिना हम जाएंगे नहीं। अगर उद्धार नहीं हुआ तो हम ये मुंह लेकर के हम कभी जाएंगे नहीं, ये मुंह दिखाएंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, हमको ग्रंथ चाहिए। प्रभु ग्रंथ कौन ले गया, कहाँ ले गया, आप कहाँ ढूंढेंगे इस जंगल के अंदर। बोलता है, नहीं ढूंढ पाए तो फिर जीवन ही समाप्त कर देंगे, फिर जाएंगे किस मुंह लेकर के। प्रभु ने भरोसा करके हमारे ऊपर इतना दुर्लभ ग्रंथ दे दिया, जो इसको तुम संरक्षण करना, इसके द्वारा जगत का परम मंगल साधन होगा। आज वो ग्रंथ चला गया, आप क्या जवाब दूं मैं, आप क्या करें। दोनों जाना नहीं चाहते, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, तुम लोग चले जाओ, आप ना नहीं करना, ये मेरी इच्छा है, मान जाओ। क्या करेंगे आप, श्रीनिवास आचार्य प्रभु को मानते हैं, गुरु बुद्धि करते हैं। दोनों चरण धूल रज लेकर के दोनों चले गए, नरोत्तम ठाकुर चले गए खेतरी ग्राम और श्यामानंद प्रभु भी चले गए। उनका भी आगे कहानी है, इधर क्या किए हैं, रोते रोते अब क्या कर, करूँ तो करूँ क्या। थोड़ा आगे चलते चलते आए हैं एक जगह, वन विष्णुपुर नामक स्थान। वहाँ के राजा है वीर हम्बीर राजा है। वहाँ तो खंडित राज्य था उस समय, छोटे छोटे राज अपना अपना राज शासन करते थे। यह भारत का जो मानचित्र है ऐसा था नहीं उस समय। उस समय अलग अलग एक खंड राज्य अपना एरिया जो दखल कर लिया, वहाँ का राजा बन गया। जिसका ताकत है वो ज़्यादा बढ़ा लिया, और ज़्यादा बड़ा करके उसका राजा बन गया। जो जिसका ताकत है, ताकत के बल पर वो उतना विस्तार कर लेते हैं, जो ताकत कम है वो छोटा विस्तार करते हैं। दिन रात तो लड़ाई लगा ही रहता था। राजा लोग चैन से खा नहीं पाते थे, ये नहीं समझना, राजा होना बहुत दुखी, उन लोग जैसे राजाओं के जैसे दुखी उस समय कोई था नहीं। क्यों, हर समय डर दूसरा राजा आक्रमण करना ले हमारे राज्य को। दूसरा राजा रात ही रात में आकर के दखल करके, मार करके, काट करके, राज को दखल करके जाओ, उसको मार ही देते थे ज्यादातर। फिर वो राजा लोग दुखी होकर भाग जाते थे, भिखारी बन करके दूसरे राज्य में भिक्षा करते थे। ऐसे कोई राजा राज जीवन ये कोई अच्छा है, लेकिन ना ऐसा ही था उसमें, ऐसा ही था, छोटे छोटे खंड राज्य था।
उस समय ही ऐसा था या अभी भी जो राजा प्रजा का हित चाहता हो ना, वो राज राज अभी तो राजप्रथा तो है नहीं, एक नायक तंत्र कहते हैं उसको, राजप्रथा तो अभी है नहीं, वो तो समाप्त हो गया। अभी तो जनतंत्र है ना, लोकतंत्र है, जनता लोग चुनते हैं, चुन करके प्रतिनिधि चुनते हैं, उस प्रतिनिधि जिसको चुनते हैं, चुन करके वो मंत्रिसभा बनाते हैं, उन लोग जैसे निर्णय लेते हैं उस आधार पर ही देश चलता है, ऐसे है, इसको कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। मेरा मतलब राजा जो वास्तविक हित चाहता होगा क्या वो अभी सुखी रहता होगा? देखो अभी तो राजा माने क्या, ये तो नौकर है जो हमारा, ये जनता का नौकर है, ये तो स्वतंत्र नहीं, जनता चाहे तो रात में पलट देंगे उसको। अभी आंदोलन छिड़ दिया सारा भारत में, ऐसा आंदोलन शुरू हो गया, गद्दी पलट गया, ऐसा नहीं। तो अभी यहाँ जो राजा है, मंत्री है जो है, ये तो नौकर है, ये तो नौकरी है, जनता उनको चुन करके भेजते हैं, जनता के प्रतिनिधि है ना, तो लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है आगे चलो, फिर क्या हुआ, चलते 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 देखते हैं, एक भक्त ब्राह्मण है, तिलक उलक है, बहुत सुंदर, पूछा भाई आपका नाम क्या है? ना हमारा नाम है कृष्ण वल्लभ। अच्छा बढ़िया, आपको आप क्या करते हैं? नहीं मैं तो यहाँ संस्कृत अध्ययन करता हूँ, अध्यापना करता हूँ, यहाँ जो राजा हैं इनके यहाँ रहता हूँ, हमारा घर भी है गांव में। तो बड़ा अच्छा लगा, उनको ले गया अपने घर, ले गया घर, ले करके रहे, रह करके बहुत अच्छा लगा बात करके। ये भी पंडित था वो जो कृष्ण वल्लभ, तो दो तीन दिन रहने का बाद उनसे बहुत मित्रता हो गई। और कृष्ण वल्लभ वो भी श्रीनिवास जो प्रभु के रूप ऐसे देख करके, उनके चेहरा देख करके, उनसे बात करके समझ गए ये तो असाधारण कोई महत्पुरुष हैं, तो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बोली चलिए आपको हम ले जाएंगे, हमारे राजा हैं ना वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनसे आपसे परिचय करा देंगे, अब हमारे साथ चलिएगा। बोले ठीक है चलेंगे। अब उनका तो देखना है जो भाई हमारा वो गया कहाँ, हमारा ग्रंथ जो है ये देखना है, खबर लेना है, राजा से परिचय होने से राजा से एक बार प्रेम हो जाएगा तो राजा तो खबर ले सकते हैं ना, उनके हाथ में सब क्षमता है, तो बढ़िया हुआ राजा से हम परिचय करेंगे। तो जा करके वहाँ बैठ गए हैं, उस समय वहाँ कथा प्रवचन हो रहा था, राजा सुन रहे हैं, वीर हमवीर, ये हमवीर राजा ऐसा तो भक्त था लेकिन दुष्ट था। कभी कभी देखा जाता है बड़े बड़े दुर्जन बदमाश, उनके अंदर भी भक्ति भावना में कुछ अनुप्रवेश दिखने में आता है, बड़ी विपरीत भक्ति भी है और दुष्टता भी है, यह बड़ा विपरीत लगता है ना। लेकिन ना ऐसा कोई कोई मनुष्य में ऐसे पहले पहले ऐसे बदमाशों में अभी भी दिखने में आता है बदमाश, लेकिन देखा जाता है जो उनके अंदर भी भक्ति भावना है, भक्ति में उनकी अनुप्रवेश होते, कथा सुन करके अच्छा लगता है, वही तो अच्छा अनुप्रवेश है, लेकिन है दुष्ट, दुष्टता छोड़ता नहीं है, पूर्व जन्म जाते संस्कार के कारण वो दुष्टता छोड़ने में असमर्थ रह जाता है, ऐसा होता है विपरीत क्रिया, एक तरफ शुभ एक तरफ अशुभ। हमारे अंदर दो पुरुष है ना, एक है दैवी शक्ति, एक है असुर शक्ति, ये दो शक्ति हमारे अंदर क्रियाशील है, पूर्व पूर्व जन्म कर्म के संस्कार अनुसार ये शक्ति है जो भगवत उन्मुखी मनोवृत्ति जो है साधु संगति आदि सत्कर्म के द्वारा ये दैवी शक्ति जो ये बढ़ जाता है, और दुस्संग भोग वृत्ति इत्यादि के द्वारा हमारे भीतर जो असुर शक्ति है ये बल मिलता है इसको। अब परसेंटेज है किसका शक्ति प्रबल है, जिसका शक्ति अधिक प्रबल होता है वो शक्ति क्रियाशील होती है, हमारे अंदर भी सबके अंदर ही एक देखा जाता है एक दुष्ट शक्ति है, कभी कभी वो जाग जाता है, जाग करके मन में ही शरीर के द्वारा क्रियाशील नहीं होने से भी देखा जाता है मन ही मन में वो क्रिया शुरू कर देता है, मन ही मन में रमन करना शुरू कर देता है, जानता नहीं है कोई, जो मन हमारा कौन सा चिंतन में तल्लीन है देखा जाता है, अगर विचार करो खुद जाको दे, हम साधु होके भी हमारे मन ऐसे गंदा चिंता करता है, ये दोषणीय नहीं है, दोष नहीं ये संस्कार, इसको दोष कहा नहीं, ये सब में है। जब उस स्थिति में पहुंच जाता है
हैं, जहाँ जाने से मन निर्मल हो जाता है, माने हमारी जो दैवी शक्ति, वो दैवी शक्ति है विवेक, वो विवेक रूप में वो जागृत होकर के उसको टोकता है हर समय, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, और विवेक को स्वीकार कर लेता अहंकार रूपी चैतन्य सत्ता, फिर विवेक के द्वारा धीरे 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 वो निकल जाता है ना। ये हमारे अंदर दो शक्ति, असुर शक्ति एक दैवी शक्ति, दोनों का लड़ाई चलता है। कभी कभी दैवी शक्ति अगर थोड़ा सा प्रबल है तो वो अच्छा कर्म करना चाहता है, कभी कभी असुर शक्ति प्रबल हो जाता है तो गलत कर्म करने की इच्छा जागृति होती है, तो दैवी शक्ति उसको टोकता है, नहीं 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 ऐसा होना नहीं चाहिए, हम साधु हैं, हम भजन करते हैं, ऐसी बुद्धि हमारी कैसी हुई है, हमारे अंदर ऐसे गंदा भावना का, ये कौन बोलता है, ये दैवी शक्ति बोलता है। और असुर शक्ति क्या बोलता है, अरे नहीं 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 थोड़ा सा क्या है, ऐसा जीवन है, थोड़ा सा आनंद भी ले लें, थोड़ा सा खुशी भी मना लें। फिर दैवी शक्ति बोलता है नहीं नहीं ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे अंदर दो टक्कर लड़ाई चलता है, एक दैवी शक्ति एक असुर शक्ति का। विश्वास ना हो तो चुपचाप एकांत में बैठकर चिंतन करना जो बात सत्य है कि नहीं, तुम्हारा मन ही कहेगा अगर विचार ठीक है तो। तो जब दैवी शक्ति प्रबल हो जाता है तो असुर शक्ति वो डाउन हो जाता है, उसका बात मानी नहीं जाती है, नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, मन में आया एक गलत भावना, दैवी शक्ति प्रबल होने का कारण, छी 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 हम भजन करने आए हैं, हमारी बुद्धि ऐसी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं किसी अवस्था में हम ऐसे होने नहीं देंगे, हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, पता है ना। और असुर शक्ति प्रबल हो जाता है तो दैवी शक्ति को दबा देकर के वो गलत कर्म करने में मजबूर हो जाता है, फिर दैवी शक्ति जब जाग जाता है तो रोता है बैठे, हाय रे हमने क्या गलत किया, हाय हाय हमने ऐसा गलत किया, हम इतना भूल किया। रोता है कौन, किया किसने, रोता है कौन ने, किया है असुर शक्ति से प्रभावित होकर के अहंकार रूपी जीवात्मा करता है, कर्ता बन करके। अब जब दैवी शक्ति प्रभावित होकर के हावी हो जाता है जीवात्मा के ऊपर, अहंकार रूपी जीवात्मा के ऊपर, तो शुभ बुद्धि के कारण वो सुप्रतिहत करके वो निवृत्त हो जाता है, नहीं 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 ऐसा कर्म हमको नहीं करना चाहिए, ये खेल चल रहा है अनादिकाल से हमारे अंदर, ये दोष नहीं है। जो गलत भावना हो गया, भजन करने आए हैं, भजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर ऐसे गलत भावना, भाई किसका होता है किसका नहीं होता है ये तो हमको पता नहीं, हमारा मैं अपनी बात कहता हूं ऐसा होता है तो ये दोष नहीं है, वही अगर दोष कह दीजिए ये ऐसे गंदा, तुम साधु होकर के भी तुम्हारे भीतर गलत भावना, बोले ना ये दोष नहीं, ये जन्म जन्म का संस्कार बहुत दिन में जाता है। जब सत्संग मिलता है तो धीरे 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 सत्सान्निध्य में रह करके उसका दैवी शक्ति वो बलवान होता है, उसको ताकत मिलता है, तो क्या होता है दैवी शक्ति बलवान हो करके वो विवेक के ऊपर हावी हो जाता है, विवेक, तब विवेक उसका जाग जाता है, तो असुर शक्ति जो अशुभ शक्ति जो है उसको दबा देता है, ये है खेल। और मान लो जब विषयी लोगों का संग होता है, बहिर्मुख लोगों का संग होता है, और बहिर्मुख वृत्ति में ज़्यादा ही वो हावी होता है, तो धीरे धीरे उसका असुर शक्ति जो है वो बल मिलता है, वो हावी हो जाता है, धीरे धीरे उसको बल मिलता है, धीरे धीरे ये दैवी शक्ति ये दाब जाता है, ऐसा ये खेल है, ये खेल चल रहा है हमारे अंदर। तो हमवीर जो है वीर हमवीर, उनके अंदर ऐसे ही कुछ भक्ति भावना भी थी, दिन में दिखाते हैं सबको जो हम भक्तिमान हैं, हम बड़े अच्छे हैं, रात को ऐसे ही दुष्टता करते थे, हावी हो जाते थे, चोरी डकैती करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, ये वीर हमवीर वहाँ सभा में आए हैं, लेके आए हैं श्री वराचार्य प्रभु को, वहाँ कथा हो रही है, कथा कर रहे हैं व्यास चक्रवर्ती नामक एक पंडित, वहाँ भागवत कथा हो रही है, वो कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं श्री वराचार्य प्रभु भी सुन रहे हैं, लेकिन उल्टा पलटा सिद्धांत, अरे ये तो सिद्धांत प्रवीण, जीव गोस्वामी पाद जिनको आचार्य प्रति भी प्रदान किए हैं, क्या वो साधारण हो सकता है, और उसके ऊपर तो महाप्रभु के आवेश अवतार है, समस्त तत्ववेत्ता, उसे रहा नहीं गया, ए पंडित जी तुम क्या बोल रहे हो,
ये क्या सिद्धांत कर रहे हैं? पंडित जी, अरे आप क्या जानते हैं, ऐसे फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है ना, दिखने में तो तेजपुंज कलेवर बड़ा सुंदर चेहरा है, क्षीण हो गया है, लेकिन चेहरा में तो थोड़ा ज्योति दिख करके तो समझ में आता है साधारण नहीं, लेकिन उसे फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, वो तो धोती कुर्ता पुरिया कपड़ा पहन के तो वृंदावन आए नहीं, वो तो रास्ते में साधु है, चल रहे हैं, तो देख करके, अरे आप क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, क्या क्या सिद्धांत, आप क्या जानते हैं, हमें इसे पंडित है, ऐसे हैं तैसे हैं। श्री बिलास जो प्रभु ठड़े होकर बोलते हैं, आप कौन सा सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत अनुरूप आप ये व्याख्या कर रहे हैं, सुनिए तो, अच्छा सुनाइए, आप सुनाइए, वहाँ ठड़े होकर के कह सिद्धांत विषय में खंडित करके फिर उसको स्थापना किए। सुन करके पंडित का मुंह तो एकदम बंद हो गया और श्रीनिवास जो बैठ गए, सब दिख रहे हैं, टक टकी लगा, उस समय संस्कृत इसका बहुत कीमत था, सब हमारे जो शिक्षा पद्धति हमारे हिंदुओं का सनातन धर्म में ये जो शिक्षा पद्धति संस्कृति उसका मीडियम था, माध्यम, बांग्ला हिंदी ये सब नहीं था, अध्ययन करो तो संस्कृति के माध्यम से ही तुमको अध्ययन करना पड़ेगा जहाँ जाओ, तो ये संस्कृति विद्वत्ता का उस समय प्रबल ये था संस्कृति की, अभी तो संस्कृति का धीरे 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 वेस्टर्न कल्चर आ करके हमारे ऐसे शिक्षा पद्धति को बदल करके अब धीरे धीरे इसको लुप्त करने के लिए एक दुष्ट चक्र चल रहा है, संस्कृति को समाप्त कर दो, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दो, ऐसे दुष्ट चक्र चल रहा है, और आप हिंदू भी हम सनातन धर्म अवलंबी भी उसको हम मान्यता दे करके अनादर करते हैं, इसका परिणाम तो हमको भोगना पड़ेगा, इसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, कीमत हमको चुकाना पड़ेगा, अगर धर्म के प्रति श्रद्धा है, संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, हमारे संस्कृति सभ्यता का अनादर मत करो, परिणाम तुमको चुकाना पड़ेगा, बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। तो काल फिर आगे चलेंगे, हाँ आज तो अच्छा लग रहा है कथा बोलने में, लेकिन क्या करें, शो अगर बोल रहा है, काल फिर आगे चलेंगे।